हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10वीं जमात का 14वां लेसन, 14वां सबक, जो आखिरी सबक है 10वीं जमात की किताब से। आखिरी सबक ये एक इंटरव्यू पर मुबनी है, गोपी चंद नारंग से इंटरव्यू। ये माखूस किया गया हुआ है, माखूस के मैंने है अक्स किया गया। कोई महरम नहीं मिलता जहां में, कोई महरम नहीं मिलता जहाँ में, मुझे कहना है कुछ अपनी ज़बाँ में। दिल पर दर्द से कुछ काम लूँगा अगर फुर्सत मिली मुझको जहाँ में। बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में। दरअसल इस सबक का मकसद तलबा को नसर की एक सिंफ से तारुफ करवाना है। इससे तलबा को इंटरव्यू के फन के बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल होंगी। गोपी चंद नारंग उर्दू अदब की एक मशहूर शख्सियत हैं। उनके इंटरव्यू से उर्दू जबान से उनके ताल्लुक व मोहब्बत का रंग झलकता है। उससे तलबा को मालूम होता है कि जबान को किसी मजहब या इलाके में महदूद नहीं किया जा सकता। ज़बान इसी की होती है जो इससे मोहब्बत करता है और इसे अपनाता है। ज़बान तहजीब की कलीद है। ज़बान नहीं है तो आपका चेहरा नहीं है, और चेहरा नहीं है तो तहजीब नहीं है। हर ज़बान की अपनी अहमियत होती है, वो किसी मज़हब, फ़िरक़े या इलाके तक महदूद नहीं होती। चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। पहला सवाल, उर्दू ज़बान व अदब से आपके बुज़ुर्गों का ताल्लुक किस नौयत का था? जवाब है, मेरी वालिदा और दादी की ज़बान सराइकी थी। वालिद साहब सराइकी भी बोलते थे और बलूची, वो पश्तो भी। दफ्तरी इंतज़ामिया तो अंग्रेज़ी में था, लेकिन वालिद साहब फ़ारसी और संस्कृत भी जानते थे और उर्दू भी बोलते थे। उर्दू और फ़ारसी के अशार सबसे पहले मैंने उनकी ज़बान से सुने। हिंदुओं की मजहबी किताबें वालिद साहब असल संस्कृत से पढ़कर सुनाते थे। स्वामी राम तीरथ की गज़लियात और बहुत से उर्दू शोरा का कलाम इन्हें अजबर था। दूसरा सवाल, किस जज्बे के तहत आप उर्दू ज़बान से अपना ताल्लुक बरकरार रख सकें? जवाब, अगर कोई जज्बा आपके जहन व शऊर का हिस्सा हो और आपकी लगन खरी और सच्ची हो तो आजमाइश ऐसे ही हालात में होती है। इंटरमीडिएट मैंने अजमेर बोर्ड से किया, बीए पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर 1952 में जब मैं लेबर इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहा था, मैंने दिल्ली कॉलेज में एमए उर्दू में दाखिला ले लिया। एमए की क्लास में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अकेला तालिब इल्म था। 1954 में एमए फर्स्ट क्लास करने के बाद मैंने पीएचडी में दाखिला ले लिया, वजीफ़ा भी मिल गया, और यूँ बतदरीज उर्दू से रिश्ता मजबूत होता गया। तीसरा सवाल, बखौल आपकी तरबियत में ज़बान और लफ्ज़ व मायने के असरात बड़ी अहमियत रखते हैं, क्या आप अपनी तरबियत की तफसील इस ख्याल के आईने में बयान करना पसंद करेंगे? जवाब, ज़बान व लफ्ज़ व मायना मेरे लिए इसलिए भी अहमियत रखते हैं कि मैं उर्दू का अहले ज़बान नहीं था। इसी एहसास की देन है। उर्दू ज़बान के रमूज़ व नकात मेरी सोच का हिस्सा रहे हैं, और ज़बान पर कुदरत हासिल करने में अगरचे मुझे रियाजत तो करनी पड़ी, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मेरी तबीयत में एक मजमर जमालियाती हिस है जो कारगर्द रहती है और बहुत से फ़ैसले अपने आप करती है। उर्दू का जादू मुझ पर शुरू से चलने लगा था, जो शायद इसी जमालियाती दाखिली हिस की वजह से था। उर्दू के भेद भरे संगीत को समझने की कोशिश करना भी शायद इसी अंदरूनी तजस्सुस का हिस्सा रहा होगा। बहरहाल इस तजस्सुस और इस्तराब से मैंने बहुत कुछ पाया, जिसको मैं अपनी खुश नसीबी समझता हूँ। मेरी फिक्री बसात जैसी भी है, इसकी बदौलत बिला खौफ तर्दू आज भी मारूजी तौर पर साबित कर सकता हूँ कि बरसगीर की ज़बानें सब अहम होंगी, कोई किसी से हट्टी नहीं, लेकिन उर्दू हिंदुस्तान की ज़बानों का ताज महल है। अगला सवाल, प्रोफेसर साहब, उर्दू ज़बान से अदम दिलचस्पी के हिंदी मुशायरे में एक हिंदू घराने का इस अजनबी ज़बान और अदब को ओढ़ना बिछोना बनाने पर किस तरह के रद्दअमल का सामना रहा होगा? जवाब, जब मैं हिंदुस्तान आया, मेरे वालिद साहब बलूचिस्तान में अफसर खजाना थे।
इन्होंने अपने अहबाब के इसरार पर पाकिस्तान रेडियो सर्विस का इंतखाब कर लिया था। मैं 10वीं की तालीम के बाद आला तालीम के लिए दिल्ली भेजा गया। वालिद साहब 9 वर्ष के बाद 1956 में रिटायरमेंट के बाद हिंदुस्तान आ गए। अगरचे वो चाहते थे कि आला तालीम रिकॉर्ड्स की वजह से मैं साइंस पढ़ूँ, लेकिन इन्होंने कभी इसरार नहीं किया। इन्होंने मेरे मामलात में मुझको आज़ादी बरतने दी और वो खुद लिखते पढ़ते थे ख़त किताबत भी उर्दू में करते थे। इस ज़माने में हिंदू घरानों में उर्दू से मगायरात नहीं थी। आज भी हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों ऐसे हिंदू हैं जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं। सवाल, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इल्म हुनर जिस कदर वसत इख्तियार करता है, जज्बात व एहसासात इसी कदर समटते जाते हैं, यानी इंसान इस सूरत में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है? जवाब, इल्म हुनर जिस कदर वसत इख्तियार करता है, ज़रूरी नहीं जज्बात व एहसासात इसी कदर समटते जाएं, अलबत्ता तस्कीन और इजहार के ज़राए और तौर तरीक़े बदल सकते हैं। सवाल, आप ज़ौक़ शौक़ से लिखी हुई तकरीर डाइस पर आकर पढ़ने के बजाय फिल बदिया तकरीर बहुत उम्दा करते हैं, इसकी ख़ास वजह क्या है? जवाब, इसकी दो वजह हो सकती है। अव्वल तो ये कि फ़ज़ल रब्बी है कि कुदरत की तरफ से मुझे ये मलका हासिल हुआ है कि मैं बोलते वक्त सोच भी सकता हूँ, गोया ज़बान और ज़हन दोनों के बेक वक्त काम करने से मुझे कोई उलझन नहीं होती। दूसरे ये कि लिखी हुई तकरीर पढ़ने से सोचने की आज़ादी सलब हो जाती है, ज़बान फैल रहती है, ज़हन इतना कारगर नहीं रहता और सामाइन से तो वो रिश्ता हरगिज़ नहीं बनता जो अज़ दिल खैज़ वो बड़ दिल ज़रेज़ की कैफियत पैदा कर दे। बिला मुबालगा अर्ज़ करता हूँ कि अमली तनकीदी व तहक़ीक़ी सफ़र में 10-12 हज़ार सफ़ात से ज़्यादा मैंने लिखा होगा। मेरा लिखना पढ़ना सोचना बुरा भला जैसा भी हो, बोलते हुए मेरे जहन में मुस्तहज़र रहता है तकरीर तो क्या, बस मैं सामईन से हम कलाम होने और दिलों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। सवाल, आपके मुताबिक बोलचाल की ज़बान में शायरी नहीं हो सकती जबकि शायरी की ज़बान में बोलचाल हो सकती है, क्या आज की शायरी बोलचाल की सतह से ऊपर की शायरी है? जवाब, शायर में फ़र्क होता है। मैंने ये बात मीर की ज़बान के पस मंज़र में अर्ज़ की थी जिनको हर चंद की गुफ्तगु अवाम से थी, लेकिन शेर इनके ख़ास पसंद भी हैं। आला शायरी में सादा नज़र आने वाली ज़बान दरअसल सादा नहीं होती, इसमें मायने तह दर तह होते हैं, इसको निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन शायरी तहक़ीक का हक इसी वक्त अदा कर सकती है जब आम ज़बान ज़िंदा रहने वाली ज़बान बन जाए, यानी बोलचाल की ज़बान में मायने आफरीनी और हुस्नकारी का वो मंज़र शामिल हो जाए जिसका जादू दिलों पर चल सके। आज की शायरी में अच्छी या बुरी तरह की शायरी है, अच्छी कम बुरी ज़्यादा, जहाँ जहाँ मायने आफरीनी है वहाँ ज़िंदा रहने का इम्कान है। सवाल, आपकी राय है कि नौजवान तहक़ीक़कारों को आलमी अदब के क्लासिक के साथ हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती और मलयालम वगैरह के तराजम का मुतालिया भी करना चाहिए, ये तराजम दस्तियाब कहाँ से होंगे? जवाब है, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती और मलयालम वगैरह के शाहकारों के तराजम साहित्य अकेडमी से भी शाये हुए हैं और नेशनल बुक ट्रस्ट से भी। ये किताबें कम दामों की हैं और बआसानी दस्तियाब हैं। सवाल, क्या आप भी उर्दू को मुसलमानों से मंसूब करते हैं? जवाब, ज़बान का मज़हब नहीं होता, ज़बान का समाज होता है। जो लोग ज़बानों को एक मज़हब तक महदूद करते हैं वो ज़बान के साथ बेइंसाफ़ी करते हैं। ज़बान एक जमहूरी और समाजी अमल है, जो जिस ज़बान को बोलता है ज़बान उसकी हो जाती है। ज़बान हर अजारादारी के ख़िलाफ़ होती है। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ ना तो सामी ख़ानदान से है और ना ईरानी ख़ानदान से, उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से है। इसकी बुनियाद एक प्राकृत यानी खड़ी बोली पर है, अलबत्ता इसकी लफ्ज़ियात का इम्तियाजी हिस्सा अरबी फ़ारसी से आया है। ताहम उर्दू के 70% अल्फाज बकौल मौलिफ फरहंग आसफिया हिंदी के हैं। बकौल मौलिफ फरहंग आसफिया
हिंदी के हैं। उर्दू को कई सदियों तक हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलजुल कर सजाया संवारा है। इसका रस्म الخط अरबी फारसी से माखूज है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसमें इस्लामी अनासिर का रंग चोखा है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि उर्दू एक मखलूत ज़बान है। दुनिया की बड़ी ज़बानें ख़ुद को किसी एक मज़हब पर बंद नहीं करती। अगर कोई उर्दू ज़बान को मुसलमानों तक महदूद करना चाहे तो ये इसकी आज़ादी है, लेकिन ये कोताह अंदेशी भी है जिससे ज़बान का नुकसान होता है। कोई ये नहीं पूछता कि गुजराती या मलयालम या कन्नड़ या मराठी का मज़हब क्या है, तो उर्दू ही पर ये करम क्यों? आसमान, खुशबू और हवा की तरह ज़बान भी सब के लिए होती है। सवाल, आलमी अदब पर गहरी नज़र की रोशनी में फरमाइए कि किस ज़बान के अदब ने आपको ज़्यादा मुतासर किया, या आपके ख्याल में किस ख़त का अदब ज़्यादा तहजीब याफ्ता और बामायने है? जवाब, बावजूद इसके कि मैंने बहुत सी ज़बानों के बहुत से शाहकार पढ़े हैं, लेकिन जो जमालियाती हिस्व लुत्फ अपने अदब में मिलता है वो किसी दूसरे अदब से हासिल नहीं होता। अपनी ज़बान में सबसे ज़्यादा जमालियाती हिस्स मीर तकी मीर और गालिब से पाता हूँ। सवाल, आपके बाद आपके घर परिवार में उर्दू का मुस्तकबिल क्या है? जवाब, मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी बीवी और दोनों लड़के अरुण और तरुण उर्दू पढ़ सकते हैं। अब एक कनाडा में है और दूसरा न्यूयॉर्क में। इनकी औलादों और दर औलादों की ज़बानें मुस्तकबिल में क्या होंगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि उर्दू ऐसी ज़बान है कि इसके दीवाने कहीं ना कहीं पैदा होते रहेंगे। सवाल, दिल्ली में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान करार दिए जाने पर आपके एहसासात क्या हैं और इससे ज़बान की तरक्की के इम्कानात किस कदर हैं? जवाब, कुछ फ़ायदा तो होगा ही। उर्दू दिल्ली से कभी गायब नहीं हुई। दिल्ली कदीम के एक बड़े हिस्से में उर्दू बराबर बोली जाती रही। उर्दू को दूसरी ज़बान कहना मुझको अच्छा नहीं लगता। जो कल बेगम थी वो आज बांदी हो गई। हर चंद के दिल्ली सरकार की मेहरबानी है कि इसने ये कदम उठाया, लेकिन हाय इसका ज़ोर पशीमा होना। खुदा करे कि दिल्ली के स्कूलों में उर्दू पूरी तरह राइज हो जाए। ये काम हो गया तो बाकी दरवाजे उर्दू ज़बान अपने आप खोल लेगी। सवाल, एक ख्याल ये है कि हिंदुस्तान में उर्दू की मुसलमानों से मंसूबी इस ज़बान के मुस्तकबिल के लिए मुज़र रसा हैं। आप इस ज़बान से वाबस्ता अफराद को किस तरह के मशवरे देना पसंद करेंगे? जवाब, मैं मशवरे देने को अच्छी बात नहीं समझता। मशवरे सियासतदान देते हैं। अफसोस है, तेज़ी से कमर्शियल होते हुए समाजों में सरकारें भी और लोग भी ज़बान की अहमियत को भूल गए हैं। हालांकि ज़बान तहजीब की कलीद है। ज़बान नहीं है तो आपका चेहरा नहीं है, और चेहरा नहीं है तो तहजीब नहीं है। अगर तहजीब नहीं है तो आप सिर्फ खाने कमाने जीने और मर जाने के लिए जीते हैं। जिस तहजीब से मेरा ताल्लुक़ है इसमें इस तरह का जीना ना जीने के बराबर है। ज़बान तहजीब का चेहरा तो है ही, इंसानियत, इक्तदार, एतिखाद और मज़हब का चेहरा भी है। ज़बान है तो तारीख़ का शऊर है। ज़बान है तो नेक व बद का शऊर है। इससे ज़्यादा क्या अर्ज़ करूँ? आजकल जो तशद्दुद और खून खराबा है इसके पीछे ज़बान के शऊर की कमी है। ज़बान दिलों में उतर जाए तो अंदर का हुजरा रोशन हो जाए। ज़बान मोहब्बत का दूसरा नाम है। ये जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। ये एक इंटरव्यू है जो माखुज़ किया गया है गोपी चंद नारंग, जो एक बेहतरीन उर्दूदान हैं, उनसे ये इंटरव्यू लिया गया था जो अभी हमने सुना है। तो इस इंटरव्यू से उनकी ज़बानी उर्दू की अहमियत और ज़बानों की अहमियत, ज़बान के बग़ैर जैसा चेहरा नहीं है उसी तरह ज़बान की अहमियत को बयान किया गया। ज़बान से शऊर की पुख्तगी आती है, शऊर में पुख्तगी आती है। ज़बान मोहब्बत का दूसरा नाम है। ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि ज़बान के नाम पर कई दंगे फसाद होते हैं, ये ज़बान किसी को तोड़ती नहीं है, किसी को दुश्मनी करना नहीं सिखाती है, बल्कि वो एक दूसरे को जोड़ती है। यहीं पर सबक इख्तिताम को पहुँचता है। शुक्रिया।